बाल बूटी क्या होती है? आयुर्वेद में बच्चों के स्वास्थ्य रक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों के मिश्रण को बाल बूटी कहा जाता है। बाल बूटी का उपयोग महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बच्चों के स्वास्थ्य रक्षण के लिए प्राचीन समय से किया जाता है। उत्तर भारत में इससे मिलता जुलता शब्द गुट्टी प्रचलन में है, जो कि बाल बूटी से बिल्कुल अलग होता है। बाल बूटी का प्रयोग क्यों करना चाहिए? यह बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिससे बच्चा कम बीमार पड़ता है। यह बच्चों के उचित शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करती है। यह बच्चों के पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है तथा बार बार होने वाले पेट के कीड़ों से बचाती है। आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बाल गुटी में प्रयोग की जाने वाली 20 जड़ी बूटियां व उनकी प्रारंभिक मात्रा, सोंठ, काली मिर्च, पिपली, बहेड़ा, हरण, मरोड़ फली, छुआरा, अश्वगंधा, बादाम, मिश्री, मुलैठी, लता करंज, जायफल, मायाफल, डिकेमाली, कंटकारी, वचा, हल्दी, पुनर्नवा, कर्कटश्रृंगी। गुट्टी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? गुट्टी बनाने के लिए गुट्टी के बीज द्रव्य, दो रूमाल, ब्रेस्ट मिल्क अगर आपके पास ना हो तो आप स्वर्ण सिद्ध जल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला मिल्क या गाय के दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे गुट्टी भारी हो जाती है पचने के लिए। एक चंदन घिसने वाला पत्थर। आज हम 1 मंथ की बेबी के लिए गुट्टी बनाएंगे। गुट्टी बनाने के लिए हमें जो गुट्टी की मात्रा है वो हम राउंड में बताएंगे आपको। तो एक राउंड कैसे डिसाइड करना है? ये 10 रुपए का एक सिक्का है। एक द्रव्य जो है हमको इस सिक्के के अकॉर्डिंग हमको इतना घिसना है। दिस इज 1 राउंड, ओके, एंड दिस इज 2 राउंड। ऐसे हमको मात्रा डिसाइड करनी है। और हर एक मंथ के बाद जो 1 मंथ की बेसिक मात्रा है उसमें हर एक मंथ बेबी जितने मंथ का है उतने राउंड इंक्रीज करते जाने। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क लेंगे। गुट्टी बनाने का पहला द्रव्य है सोंठ। सोंठ के 2 राउंड लेने हैं फर्स्ट मंथ में, ओके। सोंठ के क्या फायदे होते हैं? सोंठ यूजुअली छोटे बच्चे जो होते हैं सारा दिन लेटे रहते हैं, तो उनको पेट दर्द, गैस, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, सोंठ के सेवन से वो नहीं होते हैं। सेकंड है पिपली। पिपली ये बार बार बच्चों में सर्दी खांसी होना और बार बार बच्चों में कफ की दिक्कतें होना इनको कम करता है। पिपली के भी 2 राउंड लेने हैं। थर्ड द्रव है काली मिर्च। काली मिर्च के भी हमको 2 राउंड लेने हैं। काली मिर्च खांसी, जुकाम या आवाज गला बैठना, इसके लिए काली मिर्च का यूज किया जाता है। और इन द्रव्यों को जो हम दूसरा रूमाल ले रहे हैं उसमें से इस तरीके से सोक्ड के हमको इसको रखना है। इसके बाद फोर्थ है बहेड़ा। बहेड़े के भी 2 राउंड लेने हैं। बहेड़े के सेवन से बच्चों को बार बार खांसी या बुखार नहीं होता है। नेक्स्ट है हरण। हरण के हमको बेसिक 1 मंथ के लिए 4 राउंड घिसने हैं। हरण के सेवन से बच्चों में बार बार कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होना या घुटली वाली पॉटी होना या बहुत ज्यादा मात्रा में पेशाब होना, पेशाब में जलन होना, इस तरीके की दिक्कतें नहीं होती हैं। नेक्स्ट है मरोड़फली। मरोड़फली बच्चों को कभी कभी कब्ज की वजह से पेट में बहुत ज्यादा आव होना या मरोड़ के साथ पेन होना, इस तरीके की दिक्कतें होती हैं, जो मरोड़फली के सेवन से बच्चों को नहीं होती है। मरोड़फली के भी हमको 4 राउंड लेने हैं। नेक्स्ट है छुआरा। छुआरे के हमको 6 राउंड लेने हैं 1 मंथ के बेबी के लिए। छुआरा खाने से बच्चों की भूख बढ़ती है, बच्चों में पसीना कम आता है, बच्चों का वजन बढ़ता है और उनमें इम्यूनिटी पावर अच्छा डेवलप होता है। ड्राई फ्रूट्स को आप नेक्स्ट डे न्यू यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सेम ड्राई फ्रूट यूज करें डेली। ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा से बच्चों की इम्यूनिटी, बच्चों का स्टैमिना और वजन बढ़ने में ये फायदा करता है। इसके भी हमको 6 राउंड लेने हैं। 4
फाइव सिक्स। नेक्स्ट है बादाम, ये मैंने रात में भिगो के इसका छिलका निकाल लिया है। बादाम के भी हमको सिक्स राउंड लेने हैं। बादाम ये एक ब्रेन टॉनिक है, इससे दिमाग तेज होता है, इसके साथ साथ ये वजन बढ़ाने में भी बच्चों के बहुत फायदेमंद होता है। इसके बाद है मिश्री। मिश्री को आप सेपरेट कंटेनर में रखें, बाकी द्रव्यों के साथ ना रखें, क्योंकि नहीं तो बाकी द्रव्यों में उसके मॉइस्चर की वजह से फंगस लग सकता है। मिश्री के बेसिक एक मंथ के बेबी के लिए हमको 10 राउंड घिसने हैं। मिश्री से बच्चों को बार बार होने वाली सूखी खांसी नहीं होती है, गर्मी के मौसम में बच्चों को बहुत ज्यादा प्यास नहीं लगती है, साथ में ये जो घुट्टी के जो द्रव्य हैं इनकी जो टेस्ट होता है इसको भी ये अच्छा बनाता है, और बच्चों की जो पैलेटेबिलिटी होती है घुट्टी के लिए वो भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है मुलेठी। यूजुअली बच्चों में मुलेठी के हमको बेसिक 4 राउंड लेने हैं। बच्चों में यूजुअली टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम, बार बार खांसी होना, गला लाल होना, रिकरेंट आई इन्फेक्शन होना, एलर्जी होना, हाँ वो सारी प्रॉब्लम्स मुलेठी के यूज से नहीं होती हैं। नेक्स्ट रब है लता करंज। लता करंज के बेसिक 3 राउंड लेने हैं हमको। लता करंज के सेवन से बच्चों को मल या पॉटी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, और उनको बहुत ही जोर लगा के या घुटली वाले मल नहीं करना पड़ता है। इसके बाद है नेक्स्ट जायफल। जायफल के बेसिक हमको 3 राउंड लेने हैं। इससे ये जायफल भी पेट साफ करने में फायदा करता है, इसके साथ बच्चों को नींद अच्छी आती है, और सर्दी खांसी इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर है, नाक बहना, उसमें जायफल का यूज बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है मायाफल। मायाफल के हमको 3 राउंड लेने हैं बेसिक। मायाफल के सेवन से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं, ये कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में काम करता है, और बच्चों के दांत आते समय भी ये मदद करता है। इसके बाद है डिकेमाली। डिकेमाली के बेसिक हमको 4 राउंड लेने हैं। जब बच्चों के दांत आने वाले होते हैं तो उनके पेट खराब होना या उनको दस्त लगना, इस तरीके की दिक्कतें होती हैं, डिकेमाली के सेवन से वो प्रॉब्लम बच्चों में नहीं आती है। साथ में बच्चों को हरा मल होना, दांत आते समय बच्चों को पॉटी हरे रंग की होती है, उनका पेट खराब हो जाता है, वो सारी प्रॉब्लम्स टिकेमाली से नहीं होती हैं, अगर हम स्टार्टिंग से ही टिकेमाली का रोज घुट्टी में सेवन करेंगे। नेक्स्ट है कंटकारी। कंटकारी के बेसिक हमको 4 राउंड्स लेने हैं। कंटकारी जो है ये कंठ सुधारक भी बोलते हैं इसको। कंटकारी का सेवन जो है इससे बच्चों को सर्दी खांसी या बार बार बुखार होना या एलर्जी वायरल इन्फेक्शन, इसमें कंटकारी का बहुत अच्छा यूज होता है। नेक्स्ट है वचा। वचा के बेसिक हमको 3 राउंड्स लेने हैं। वचा ये जो द्रव्य है ये बच्चों के लिए उनकी वॉइस को क्लियर करता है, उनका दिमाग तेज करने के लिए भी ये बहुत अच्छा एक हेल्थ टॉनिक है, साथ में सुस्ती भी ये कम करता है, इस तरीके की चीजों में ये बहुत फायदा करता है। इसके बेसिक हमको 3 राउंड लेने हैं। नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी का जो डेली यूज है वो घुट्टी में इसलिए किया गया है कि हल्दी से बच्चों का कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर होता है, हल्दी एक एंटीबायोटिक का काम करता है, साथ ही जो बच्चों के हाथ पैरों में जो रोए होते हैं, बाल होते हैं, वो कम से कम आए उसके लिए भी हम उनको हल्दी देते हैं, और सर के बाल उचित तरीके से बढ़े उसके लिए डेली हल्दी का सेवन किया जाता है। बेसिक इसके 3 राउंड लेने हैं हमको। नेक्स्ट है पुनर्नवा। पुनर्नवा के 3 राउंड्स लेने हैं बेसिक। इससे बच्चों को किसी भी तरीके की सूजन या कभी गले में दर्द होना, या जब बच्चा पैदा होता है तब उसके अंदर जो माँ का जो पानी होता है वो होने की वजह से, वो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सूजन होती है, या बाकी तरीके की किसी भी प्रकार की सूजन को पुनर्नवा कम करता है। इसका डेली समावेश हमको घुट्टी में करना चाहिए। नेक्स्ट है कर्कटशृंगी। कर्कटशृंगी के बेसिक 6 राउंड हमको लेने हैं। ये कर्कटशृंगी के यूज से पेट में बार बार कीड़े होना और खांसी, सर्दी खांसी, इसकी प्रॉब्लम से बचाता है। एक मंथ के बेबी के लिए घुट्टी की बस इतनी ही मात्रा होनी चाहिए, इससे ज्यादा मात्रा फॉर 1 मंथ हम प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। इसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आप हर मंथ 1-1 राउंड
इंक्रीज करते जाएं। ये 1 मंथ की बेबी के लिए बालगुटी तैयार है। कुछ महत्वपूर्ण बातें। बालगुटी का प्रयोग 1 महीने की उम्र से लेकर 2 साल तक के बच्चों में किया जा सकता है। बालगुटी को घिसने के लिए माता का दूध या स्वर्ण जल या शहद का प्रयोग उत्तम होता है। बालगुटी का सेवन रोज दिन में एक बार सुबह नहाने के बाद करवाना लाभकारी होता है। बालगुटी की प्रारंभिक मात्रा में बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ हर 1 महीने में 1 राउंड बढ़ाएं। बच्चों में होने वाली छोटी मोटी बीमारियों तथा लक्षणों के अनुसार जड़ी बूटी की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है। बालगुटी का नियमित प्रयोग बच्चों की अंग्रेजी दवाओं तथा हेल्थ सप्लीमेंट की निर्भरता को कम करता है। बच्चे को बुखार होने पर, दस्त होने पर या वैक्सीनेशन वाले दिन बालगुटी के जड़ी बूटियों में ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग ना करें। स्वयं बनाई गई बालगुटी ज्यादा फायदेमंद होती है, किंतु अगर आपके पास समय की कमी है तो मार्केट में यह रेडीमेड भी उपलब्ध हो जाती है। बालगुटी की जड़ी बूटी व उनकी मात्रा व उपयोग की जानकारी डिस्क्रिप्शन लिंक में उपलब्ध है।